फ्रेंड्स, माय नेम इज विजय। ये हमारा 28th ट्यूटोरियल है पीएचपी का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पीएचपी की हेल्प से अपने डाटाबेस में टेबल को ऐड कर सकते हैं। देखिए, कल हमने एक डाटाबेस बनाया था जिसमें हमने एक टेबल बनाई थी जो थी यूज़र नेम से, और उसमें कुछ इस तरह के एट्रीब्यूट थे हमारे आईडी, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आज हम क्या करेंगे, पीएचपी की हेल्प से टेबल को क्रिएट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माई SQLI _, यहाँ पर फिर लिखेंगे कनेक्ट, कनेक्शन के लिए, और फिर यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, सबसे पहले अपने देंगे होस्ट का नेम, जो हमारे होस्ट का नेम है लोकल होस्ट, और फिर देंगे हम कॉमा लगा के अपना यूज़र नेम जो कि है रूट, और फिर देंगे पासवर्ड, जो कि हमारा कोई भी पासवर्ड नहीं है, इसलिए मैंने पासवर्ड नहीं रखा है। अब देखिए, इस कनेक्शन को हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसे बाद में यूज़ करने वाले हैं, तो इसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक वेरिएबल लेंगे, @ हम लोग लेते हैं वेरिएबल का नेम CON, कॉन कनेक्शन के लिए। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले SQLI _ लगाएंगे और लिखेंगे सेलेक्ट DB डाटाबेस के लिए, और सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा नीचे से लिखा हुआ SQL लिंक। सबसे पहले हमें लिंक देना होगा, कनेक्शन लिंक। हमारा कनेक्शन लिंक क्या है, हमारा कनेक्शन लिंक है कौन, ये हमारा कनेक्शन लिंक है कॉमा। फिर हम क्या करना चाहते हैं, किस टेबल में ऐड करना चाहते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई थी कल, अगर आप यहाँ पर देखेंगे यूज़र नेम से हमारी टेबल है, हम इसमें एक और टेबल ऐड करना चाहते हैं, और इस टेबल कौन कहाँ पर है, हमारी टेबल न्यू डाटा पे, जो हमारा डाटा बेस है न्यू डाटा, वहाँ पर हमारा न्यू टेबल को ऐड करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डाटाबेस का नेम, डाटाबेस का नेम है न्यू डाटा, इस तरीके से। अब देखिए, ये हमने कनेक्शन कर दिया। अब इस कनेक्शन के बाद हमें क्या करनी है, क्वेरी लिखनी है जिससे हमारा टेबल क्रिएट होगी। तो देखिए, यहाँ पर लिखेंगे SQL, एक वेरिएबल का नेम दिया हमने, = (double quotation) में लिखेंगे CREAT create TABLE टेबल, और फिर टेबल का नेम देंगे जो भी आप देना चाहें। मैं देता हूँ user1, इस तरीके से हमने यूज़र नेम दिया इसे। अब देखिए, पैरेंथेसिस लगाएंगे, इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग क्या करेंगे अपने कॉलम्स देंगे, जैसे इस तरीके से। देखिए, हमने यहाँ पर अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, हमारे टेबल का स्ट्रक्चर, तो इसमें हमने कुछ कॉलम दिए थे आईडी, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो न्यू टेबल बनी है उसमें भी कुछ आईडी देंगे, या फिर आप कह लीजिए कॉलम्स देंगे। तो सबसे पहले आईडी देंगे हम हमारे कॉलम, और इसमें किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। और देखिए, मैं इस आईडी को प्राइमरी की बनाऊंगा, और मैंने आपको कल बताया था कि प्राइमरी की नल नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा नॉट नल, इस तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि ये जैसे जैसे मैं डाटा डालूँ ये ऑटो इंक्रीमेंट होते रहे, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑटो _ CREMENT इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट, कॉमा लगाएंगे, सेपरेट करेंगे इसे, और फिर देखिए हमें इसे प्राइमरी की बनाना है। तो प्राइमरी की बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे प्राइमरी, और फिर लिखेंगे की, और इसके अंदर पैरेंथिसिस के अंदर कौन सी प्राइमरी की बनानी है, आईडी को हमें प्राइमरी की बनाना है। अब देखिए, फिर से कॉमा लगाएंगे, अब देंगे हम दूसरे कॉलम जो कि था यूज़र नेम, और ये है वेयर चेयर, और साइज़ क्या है इसका 20। देखिए, यूज़र नेम बनाया और किस टाइप का है, वेयर चेयर टाइप का है, और 20 हमने इसे साइज़ दिया। अब एक और बनाते हैं जो कि होगा फर्स्ट नेम, जो भी होगा वेयर चेयर नाम से, और इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ भी होगा 20। और फिर बनाएंगे लास्ट नेम, कमॉन नेम, वेयर चेयर, और इसे हम देंगे साइज़ 20। इस टाइप से हमने 20 दे दिया सबका साइज। तीन चार हमने कॉलम्स बना लिया, आईडी, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब देखिए, पैरेंथेसिस जो हमने यहाँ पर खोला हुआ था इसे बंद करते हैं, यहाँ पर बंद करेंगे, और देखिए यहाँ पर ये हमारा जो कोलन लगाया था, डबल कोटेशन, ये भी हमारा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर लगाएंगे सेमी कोलन ताकि हमारी पूरी स्टेटमेंट फिनिश हो जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माई SQLI। देखिए, पहले जब ये अब एडवांस हो चुका है, तो पहले यूज़ करते थे हम सिर्फ SQL, अब SQLI आ गया है। आई का मतलब है एडवांस, इम्प्रूव्ड कह सकते हैं SQL क्वेरी।
अगर आपने कहीं पर पुरानी आपके पास बुक्स पढ़ी हो उसमें अगर लिखा हो माई SQL, तो देखिए कन्फ्यूज़ मत होइए गया, क्योंकि कहते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब आता है MSQLI, इस तरीके से SQLI यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए अब लिखेंगे डॉलर का साइन, और सबसे पहले यहाँ पर बताएंगे हमारा कनेक्शन। और पहले मैं आपको बता दूँ, पहले अगर आप पुरानी बुक्स पढ़ी होंगी तो सबसे पहले इस जहाँ पर मैं कनेक्शन दे रहा हूँ, सबसे पहले जो पैरामीटर पास किया जाता था वो पास किया जाता था कि जैसे कि इस कोड में सबसे पहले डाटाबेस का नेम पास किया जाता था, फिर कनेक्शन पास किया जाता था। लेकिन न्यू जो आ गया है न्यू PHP में, हम लोग से करते हैं सबसे पहले कनेक्शन पास करते हैं, उसके बाद हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। और देखिए अब हमें क्या करवाना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है MySQL लिंक और फिर स्ट्रिंग क्वेरी। कौन सी क्वेरी करनी है हमें, SQL नेम से क्वेरी करनी है, जो हमने सेव वेरिएबल लिए थे SQL। ये देखिए हमने कर दिया है, सेव कर लेते हैं इसे और इसे रन करेंगे। vj.php नेम है इसका, रिफ्रेश कर रहे हैं, देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जाएं न्यू डाटा में, तो देखिए यूज़र नेम, यूज़र और यूज़र वन, जो हमने टेबल बनाई थी वो हमारी टेबल इस तरीके से बन चुकी है। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस ट्यूटोरियल से लेकर, और कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए अगर आप बुक से किसी पढ़ रहे हैं, अगर वो पुरानी बुक है तो यहाँ पर देखिए आई नहीं लगा होगा और इसके पैरामीटर्स भी चेंज होंगे। ये पैरामीटर्स, पहले डाटाबेस आता था पुराने, उसमें पहले डाटाबेस का नेम लिखा जाता था, फिर कनेक्शन दिया जाता था, लेकिन अब न्यू के हिसाब से इम्प्रूव्ड हो चुका है। तो पहले कनेक्शन देते हैं फिर डाटाबेस का नेम दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर भी जो हमारी क्वेरी है, पुरानी जो क्वेरी होती थी यहाँ पर सिर्फ SQL लिखा होता था, आई नहीं होता था, और यहाँ पर SQL पहले आता था, मतलब आपकी क्वेरी पहले आती थी उसके बाद आपका कनेक्शन आता था। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो मैंने आपको अपने यहाँ पर वीडियो के लिंक में कुछ बुक्स प्रीफर की हैं, आप उन बुक्स को लिख सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे PHP की पढ़ने में। और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।